गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर से स्वागत है आप लोगों के लिम्स 143 यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को हैप्पी मंगला संक्रांति। तो आप सभी को तो संक्रांति के आलू सुबह का टाइम। तो ये सुबह सुबह बॉइल किया वाला है तो मंगला संक्रांति के लिए। तो थोड़ा बहुत होने से भी खाना है। तो मंगला संक्रांति के लिए एक मुख मीठा तो करना पड़ेगा। तो सबसे फेवरेट तो मेरा ये तिल का लड्डू है, सबसे फेवरेट। तो गाड़ी उड़ी गर्म कर रहा है, घर से निकल रहा है। तो अभी गाड़ी उड़ी गर्म करते हैं। तो कल जो क्या हो गया वैसे थोड़ा अपना कुछ काम पड़ गया था तो इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाया। तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर वही ब्लॉग पहुँच गया तो बस डाल रहे तेल थोड़ा बहुत, उसके बाद इतना भीड़ तो नहीं है। तो उसके बाद मेरा गाड़ी में डाल लेते हैं। सुबह जल्दी आएगा सोचने से तो ठंडा से सकते नहीं, तो इसलिए धूप निकलने का बाद ही आना पड़ता है। तो तेल उल डाल दिया, तो तेल उल डाल के आ गया अभी। तो निकलते हैं अभी, एक चाय, काफ़ी ठंडा है तो चाय भी पीते हैं। चाय पीते हैं तो तरुल भी मीठा आलू लोग गर्म हो रहा है अंदर में बुखारी में, तो गर्म हो गया अभी ना। तो गर्म होते हो गया अभी, चाय के साथ में एक दोटू तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहे आज तो मंगला संक्रांति है, एक दो तो खाना ही पड़ता है। ये जो योंग बस्ती है, तो ये जो बड़ा बस्ती, तो संतरा काफ़ी अच्छा से निकल के बैठा है। तो पेड़ में छोटा पेड़ है लेकिन संतरा बहुत ज़्यादा निकल के बैठा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मैंने ना। कोई पेड़ में तो होता है मैंने छोटा बड़ा पेड़ हो जाने से भी छोटा थोड़ा होता है, तो छोटा पेड़ में कम काफ़ी सारा है। तो ये जो योंग बस्ती, तो यहाँ से ये जो बड़ा बस्ती, तो ऊपर जाना है हमको। तो ऊपर जाके ऊपर तो व्यू भी आप लोगों को थोड़ा दिखाएगा, तो अंदर बस्ती साइड से भी कैसे आता है लोगों ने। तो काफ़ी साल पुराना घर लग गया यहाँ भी। तो अब ये सबसे लास्ट घर, यहाँ से ऊपर घर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ऐसा है, फूल भी काफ़ी सुंदर है मैंने छोटा सा करके एकदम मज़ा से खिला हुआ है, दो पोट पर लगाया हुआ है उन्होंने। तो काफ़ी अच्छा लोटू सुंदर आ रहा है। तो इस तरफ में ये ऑर्किड भी है, ऑर्किड का फूल भी देखो, ऑर्किड भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी पुराना घर है ये जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी साल पुराना होगा। तो इसमें कोई नहीं बैठता अभी तक, अभी लेकिन बस्ती के अंदर चला जाएगा तो एकदम अलग सुकून मिलता है। मैंने ऐसा घर देख के, काफ़ी साल पुराना है ना इसलिए दिल भी एक अलग सा लग जाता है। तो यहाँ से भी इस तरह माने एक ठू जाते हैं। तो हल्का हल्का ऐसे वीडियो बना के, वैसे ब्लॉग बना के ऐसे डाल आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रहे हैं। तो जिस जिसको भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो ऐसे ही वीडियो हम अच्छा बना के आप लोगों को लेने की कोशिश करेगा। तो कल का ब्लॉग में मिलते हैं ना।